वेलकम टू माय चैनल तुली द ब्लॉगर में आप सबका स्वागत है। आज का ब्लॉग कुछ खास है लेकिन वो मैं पहले नहीं बताऊंगी। इसको देखने के लिए आप अंत तक देखिए मेरे वीडियो को, और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना भी मत भूलिए। आज का ब्लॉग है कुछ खास, तो चलिए पहले वही देख लेते हैं, उसके बाद मैं आती हूँ आपके साथ, फिर मैं बात करूंगी। तब तक के लिए टाटा। अब मैं हूँ अपने रास्ते में जहाँ से मैं जा रही हूँ, अभी निकलूंगी। सफर का साथ रहेगा, आप लोगों का साथ रहेगा। हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल वो मेन मार्केट, यहाँ से ही शुरू होता है जो कि है ग्रैंड ओबेरॉय होटल के सामने, और यहाँ से सारी मार्केट स्टार्ट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेडीज़ क्लचेस मिल रही हैं, और ये काफ़ी कम दाम में मिलता है, जिसकी स्टार्टिंग रेंज है 250 रुपीज़ से। हाँ, इनसे कम वाले भी हैं, 150 रुपीज़ से भी हैं। अगर आप छोटे छोटे को देखें तो 100 रुपीज़ टू 150 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। अब ये है टी शर्ट की दुकान, जो कि ये काफ़ी अच्छा टी शर्ट है, अगर आप घर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ 200 रुपीज़ की ये टी शर्ट है। यहाँ पर बार्गेनिंग बहुत चलती है, आप अगर बार्गेनिंग करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से बार्गेनिंग कीजिएगा, लेकिन 200 के नीचे ये लोग देते हैं नहीं। अब ये मोजा है, सॉक्स है, ये कुछ हेडफोन वगैरह सब लेते घूमते हैं। यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि आप यहाँ से अपने घर में पहनने के लायक अगर कुछ कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ पर खरीद सकते हैं। कुछ कुछ ब्रांडेड होते हैं पर पता नहीं, शायद डुप्लीकेट ब्रांडेड होते हैं ये सब। देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ की सारी तिब्बतियन सारी सब कुछ चीज़ें हैं, जो काफ़ी खूबसूरत होती है, घर से जाने के लिए भी है। यहाँ से अगर सीधा चलते हैं हम लोग तो हर रास्ते के किनारे से कुछ ना कुछ शॉप बैठा हुआ है, और ये काफ़ी सस्ते में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। ये मैं एंट्रेंस है, ये मेन है, जो ओबेरॉय होटल का एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है, और इसके आजू बाजू से सारे दुकान लगे हुए हैं। ये अब मैं थोड़ा अंदर की तरफ जा रही हूँ जहाँ श्रीराम आर्केड है, और ये आर्केड भी काफ़ी फेमस है। ये एक मॉल है और जिसमें बैंकॉक, थाईलैंड, जितने भी बाहर की चीज़ें हैं ये यहाँ पर आती हैं और लाई जाती हैं। ये है टेडी की दुकान, क्या प्राइसेस का, बहुत खूबसूरत एंड सॉफ्ट टेडीज रहती हैं। यहाँ स्टार्ट ये लोग बहुत ज़्यादा दाम से करते हैं, जैसे कि ये जो आप बड़ा वाला बियर्ड देख रहे हैं, इसका स्टार्टिंग प्राइस ये लोग 1600-1700 रुपया बोलते हैं, लेकिन आप इसकी हाफ प्राइस बताइएगा तो ही जाकर आपके दाम में ये मिलेंगे। अब हम सीधा जा रहे हैं, और बहुत काफ़ी भीड़ रहता है क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा लगता है। आप यहाँ पर अगर कुछ ना भी खरीदे तो एटलीस्ट विंडो शॉपिंग करने के लिए आ ही सकते हैं। और ये यहाँ पर शूज़ की दुकान, वैरायटीज़ यहाँ पर मिलती है, आप जितने तरह के स्टाइलिश
शूज अगर पहनना है तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए और आकर ज़रूर देखिए। और बाकी रिजनेबल प्राइस भी रहता है, ये 250 रुपीज़ से स्टार्टिंग रेंज रहता है, कुछ कुछ 200 के भी होते हैं, कुछ कुछ 150 के भी होते हैं। तो ये रफ यूज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, ये पार्टी वेयर्स में भी बहुत कम लोग हैं जो यूज़ करते हैं। जो ब्रांड के शौकीन हैं वो तो ब्रांडेड ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी अगर कम दाम में कुछ अच्छी चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से लेकर ट्राई कर सकते हैं। ये रहा श्री राम मार्केट, ये एक छोटा सा मॉल है, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर तक है, ग्राउंड फ्लोर भी है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। आपको अगर नज़दीक से मैं दिखाऊँ तो ये सामने आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा मॉल है। हर एक फ्लोर में हर एक तरह की वैरायटी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे रोज़ की ज़िंदगी में तो काम आती हैं। अगर आप फैशन ओरिएंटेड हैं तो फैशनेबल चीज़ें यहाँ पर ज़रूर खरीद सकते हैं। आप सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर के लिए आप लिफ्ट भी ले सकते हैं, और अगर लिफ्ट की ज़रूरत ना हो, क्योंकि हमेशा अक्सर लोगों को लिफ्ट की ज़रूरत बहुत कम रहती है क्योंकि हर एक फ्लोर पे इतनी सारे दुकान हैं कि आप इनको देखते देखते ही आप सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे। और यही इसकी खूबसूरती है कि हर एक फ्लोर में वैरायटी चीज़ें मिलती हैं। आप लेदर के बैग्स ले लो, आप कपड़े ले लो, आप या फिर आप शूज़ ले लो, हर एक वैरायटी चीज़ें मिलती है। वेडिंग के लिए अगर आपको शॉपिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं बाहर आ गई हूँ और अभी वेदर थोड़ा सा ख़राब ही लग रहा है मुझे, क्योंकि बाहर काफ़ी तेज़ तूफान आया हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा अंदर ही रहना पसंद कर रही हूँ। अंदर मतलब मैं सीरा मार्केट से बाहर आ गई हूँ और उसके सामने ये है ओल्ड कॉम्प्लेक्स है, मतलब ओल्ड न्यू मार्केट, मैं उसके अंदर में हूँ और यहाँ से मैं घूम रही हूँ। आप यहाँ पर भी बहुत सारे दुकान है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन हमेशा जैसा मैं कह रही हूँ कि आप स्टार्ट कीजिएगा, बार्गेनिंग ज़रूर कीजिएगा यहाँ पर, और ये लोग जो दाम बोलते हैं उसके हाफ प्राइस से आप स्टार्ट कीजिएगा। ये है कश्मीरी शॉप, कश्मीर की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर आएंगे तो आप, मैं गारंटी बोल देती हूँ कि आप कभी खाली हाथ नहीं लौटेंगे यहाँ से, क्योंकि यही यहाँ की खासियत है, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर खरीद कर लौटेंगे। मैं आ जाई हूँ सिर्फ आप लोगों को घुमाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से अक्सर कुछ रफ यूज़ करने के लिए मैं शूज़ वगैरह यहाँ पर से ज़रूर खरीदती हूँ, पर मैं ब्रांड ओरिएंटेड हूँ और मुझे ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। फिर भी मैं आ जाती हूँ कुछ घरेलू चीज़ें, जैसे कुशन कवर्स या फिर बेड कवर्स या फिर अच्छे अच्छे जूते चप्पल या फिर कह लीजिए कि हाउस होल्ड चीज़ें यहाँ पर अच्छी मिलती है। अब यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है जो कि मेरा आधा मज़ा को खिड़खिड़ा कर चुका है, लेकिन फिर भी कोशिश करें। ये देखिए, ये फूलों की दुकान है, ये घर सजाने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें मिलती हैं। ये सिर्फ सैटरडे को बंद रहता है ये मार्केट। अभी मैं बारिश के चलते मुझे भूख भी लग गई है, मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए।
घर पर आफ्टर सारे शॉपिंग करने के बाद मैं आ चुकी हूँ और दोहरी खुशी है क्योंकि हमारा पोइला बैशाख आ रहा है और मेरी एनिवर्सरी आ रही है, तो उसकी भी सरप्राइज मुझे इस तरह से मिलेगी वो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन खैर मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं, और जिस दिन पोइला बैशाख होगा उस दिन मैं अपनी मेकअप भी दिखाऊंगी आप लोगों को और मैं क्या पहन रही हूँ वो भी दिखाऊंगी। और अभी कुछ ओकेजन्स मेरे आ रहे हैं तो शायद उसके साथ साथ थोड़ी बहुत मैं मेकअप टिप्स जो मैं अप्लाई करती हूँ वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। लेकिन सबसे पहले अभी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या परचेज किया है। ये और सबसे खास चीज है कि इसके साथ मेरी सरप्राइज भी है जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखा रही हूँ। पहले फिलहाल मैं अपने लिए क्या ली हूँ, अपनी सास के लिए क्या ली हूँ, अपनी मम्मी के लिए क्या ली हूँ, तो ये मैं पहले दिखाती हूँ। और हस्बैंड और बेटे का भी कंप्लीट हो चुका है वो मैं ये लोग अभी दिखाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि ये लड़कों का है तो वो कहते हैं कि लड़कों का चीजों में किसी को खास इंटरेस्ट होता नहीं है तो लड़कियों के चीजों में ही सबको इंटरेस्ट होता है, तो मैं इसलिए अभी अपना सब कुछ दिखा रही हूँ। ठीक है, तो मेरी मम्मी के लिए है जो मेरी मम्मी है उनके लिए क्या लिया, हाँ जी ये मेरी मम्मी के लिए लिया, ये लिनन की साड़ी है और ये बहुत ही सोगो कलर है ये, और ये लिनन है, ये काफी कंफर्टेबल है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की साड़ी है जो मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया। और मैं एक चीज आप लोगों को और दिखाती हूँ, मेरी सासू माँ के लिए क्या लिया मैंने, मेरी मम्मी की और मेरी सासू माँ का कलर बहुत हद तक सेम रखा है, ये लिया मैंने अपनी मम्मी के लिए मतलब सासू माँ के लिए ये साड़ी, ये है रेशम के ऊपर है मटका साड़ी है और ये बहुत खूबसूरत साड़ी है। हालांकि मम्मी को दो या फिर सासू माँ को जो भी दो वो लोग हमेशा मेरे को ही दे देते हैं कि पहले तुम पहनो फिर हम लोग पहनेंगे, तो सब कुछ मेरा ही है। और ये सच में मेरी सास जो है ना वो हमेशा कुछ भी अपने लिए लाती है, जैसे अपने लिए साड़ी लाती है या फिर कुछ भी लाती है तो वो सबसे पहले मुझे देती है, बोलती है ये पहले तुम पहनोगी उसके बाद फिर मैं पहनूंगी, तो मुझे ये उनका ये मुझे समझ में नहीं आता है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी उनके लिए मैं जो भी खरीदती हूँ ना वो हमेशा से वो यही कहती है कि पहले तुम पहनोगी फिर मैं पहनूंगी। तो खैर ये आप शायद मुझे ही पहले पहनने देखेंगे कि मैं इसे पहले पहनूंगी, और मेरी मम्मी का भी वही हाल है, हालांकि मम्मी की तीन बेटियां हैं और मैं सबसे छोटी हूँ और दोनों दीदी आती है तो हम तीनों बहनों में पहले डिसाइड हो जाता कौन क्या पहनेगा कौन क्या नहीं पहनेगा। तो ये भी मम्मी की साड़ी है लिनन की, मम्मी की साड़ी भी बहुत खूबसूरत है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको मेरी साड़ी जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने काफी शौक से खरीदा है और हस्बैंड का पॉकेट भी थोड़ा हल्का कर दिया है मैंने। ये है मेरी लिनन साड़ी, ये मैं पहनने वाली हूँ पोइला बैशाख के दिन और इसका कलर बहुत खूबसूरत है, ये देखिए ये है लिनन। मेरे पास आप बिलीव नहीं करेंगे लिनन की बहुत सारी डिजाइन्स है और बहुत तरीके का कलर है जो मैंने अपने लिए ले रखा हुआ है, मुझे लिनन बहुत पसंद है क्योंकि अभी ये ट्रेंड में है, ये अभी फैशन में है, तो मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता है तो मैं ले लेती हूँ, हालांकि मैं पहनती बहुत कम हूँ लेकिन ओकेजनली मुझे पहनना पड़ता है। ये इसके डिजाइन में दिखा रही थी आपको इसका यूनिकनेस क्या है, इसका यूनिकनेस है ये टेम्पल आपको दिख रहा है, ये देखिए ये टेम्पल सा जो दिख रहा है ना ये मतलब छोटे से बड़ा होते हुए ये आया है, ये बहुत खूबसूरत है। ये हुई मेरी पहली साड़ी, नंबर टू दिखा रही हूँ शायद आप लोगों को अच्छा लगे। टन ये है मेरी दूसरी साड़ी और ये है ऑर्गेन्जा की साड़ी जिसका बॉर्डर आप देखिए।
ये कॉल आ गया था तो इसलिए मैंने कट कर दिया। हाँ तो मैं ये साड़ी दिखा रही थी आप लोगों को, ये देखिए ये कितनी खूबसूरत है। और जब मैं इसे पहनूंगी ना, ये मैं सोच रही इसका फॉल्स पी को मैंने अभी तक करवाया नहीं है, लेकिन कल हमारा एक ओकेजन है तो मैं सोच रही इसको पहन लूं। और इसके साथ मैंने ब्लाउज, मैं रेडीमेड ब्लाउज के बहुत सारे कलेक्शन रखती हूँ, और वो कलेक्शन में क्या होता है कि कोई भी साड़ी के साथ मैं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करके पहन लेती हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये साड़ी, अच्छी है ना? अब आती हूँ मैं नंबर थर्ड पे। हालांकि बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने वेस्टर्न में भी खरीदा है, पर अभी मैं आपको सिर्फ साड़ी की दिखा रही हूँ। नंबर थर्ड है, एक और लिनन लिया है, और ये लिनन भी यू है, ये आपको दिख रहा है। आपको सच बताऊं तो मुझे व्हाइट और क्रीम कलर बहुत पसंद है, और इसका जो ये रेड कलर का बॉर्डर है ना, ये इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। क्योंकि एक तो हम बंगाली है, और हम बंगाली लाल पार सादा साड़ी पहनना हमें बहुत पसंद मतलब है, और अगर कह लीजिए कि अगर इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन हमें दिखता है ना, तो मोस्ट ऑफ द वुमेन क्या करती है कि वो लोग वही सिलेक्ट कर लेती है, वही कलर उन लोगों को अच्छा लगता है, इस टाइप का अगर कॉन्ट्रास्ट कलर उन लोगों को मिलता है। तो मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, और सच पूछिए तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है ना अच्छी। तो मेरी साड़ी के कलेक्शन अभी तो कुछ नहीं दिखाया आप लोगों को, और बहुत सारे हैं, पर आप देखते देखते शायद एक और दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि लेडीज का अगर शुरू होता है तो दिखाना अपना शौक का चीज तो वो खत्म नहीं होता है। हाँ, तो अब मैं जो सेकंड बात कर रही थी वो थी मेरे लिए सरप्राइज। तो मेरे लिए सरप्राइज था ये सेंको गोल्ड की तरफ से, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सरप्राइज गिफ्ट किया है। जी हाँ, मैं इसे पहन कर दिखाऊंगी, मैं इसे अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ। इसमें दो चीजें हैं, मैं लेने गई थी एक चीज, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अचानक मुझे बहुत चालाकी से मुझे पसंद करवा लिया कि ये देखो ये डिजाइन कैसा लग रहा है, तुम्हें वो कैसी पसंद है, वो कैसी अच्छी नहीं लग रही है, वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, वो सूट नहीं कर रहा, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये बोल बोल के वो मतलब मुझे ये खरीदवा दिया। तो मैं इन सब चीजों को जब पहनूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरा प्लान है, मैं एनिवर्सरी के दिन में पहनूंगी, तो ये थोड़ा सरप्राइज रहने दीजिए, ठीक है? मैं थक गई हूँ, बोलते बोलते मैं थक गई हूँ, और अगर कहिए तो आज मैं सच में बहुत टायर्ड हूँ, और बाहर डिनर कर लिया। हाँ, वो वीडियो भी मैं डालूंगी, बाहर डिनर हो गई, सब कुछ हो गया। अब रही बात मेरे हस्बैंड की और मेरे बेटे की कैमरा में आने का, तो ये लोग दोनों को ना कैमरा के सामने से पता नहीं क्या एलर्जी है, ये लोग सामने आने ही नहीं चाहते हैं। इन लोगों को कोई प्रॉब्लम है या फिर कह लीजिए तो कोई फोबिया है कि ये कैमरे के सामने नहीं आएंगे, तो इन लोगों का पता नहीं, शायद मैं सामने फ्यूचर में ला सकूं, पर अभी तो ये लोग आने वाले मूड में है नहीं, तो अभी मैं ही अकेले करते रहती हूँ। तो मुझे ये लोग कभी कभी पागल भी बोल देते हैं कि मम्मी पागल हो गई है, अचानक मैं लिपस्टिक लगा के बैठ गई या फिर कोई मेकअप कर लिया, तो ये लोग कहते हैं कि मम्मी थोड़ी सी पागल हो गई है। चलिए अब थोड़ी मैं ज्ञान की बातें कर लूं। तो अभी हमारा पहला बैसाख आ रहा है, आप सबको मैं विश करती हूँ कि विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज ये बंगालीज का हैप्पी न्यू ईयर है, और अगर आप में से कोई भी अगर मुझे देख रहे हैं और वो बंगाली है तो मैं आपको भी विश कर रही हूँ, अगर आप बंगाली नहीं है तो भी मैं आपको विश कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरीके से बिताइएगा, क्योंकि ये हमारे लिए नया साल है, ये बंगालीज का नया साल है। तो हम सुबह की शुरुआत करते हैं पूजा से, और वो ब्लॉग भी मैं बनाऊंगी, पूजा से शुरुआत करते हैं और खाना पीना घूमना फिरना, बिकॉज हम लोग तो हार्ड कोर कह लीजिए तो फूडी है, हमें तो बस खाना चाहिए, कोई एक बहाना मिल जाए और बस हम उसमें खाना खाने के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरी ननद और उनकी बेटी, हम लोगों का प्लान अक्सर बनते रहता है,
और आप अगर कह लीजिए तो हमारी फैमिली काफी जॉली फैमिली है और हम लोग हमेशा मौज मस्ती में ही डूबे रहते हैं। मेरा एक और फ्लैट है जिसमें मेरी सास रहती है। एक्चुअली वो फ्लैट है हमारा पूरा क्या बोलूं आपको, वो हमारे पूरे फैमिलीज का है। मतलब पूरा हम लोग जो हमारा जो सरनेम है वो पूरा वहां का है। तो मेरी जेठी सास, मेरी काकी सास, मेरी ननद, मेरी जेठानी, मेरे चचेरे देवर, सब लोग वहीं पर रहते हैं। सारे अटैच है, हम लोग सब अटैच है। पर मेरे हस्बैंड ने एक और फ्लैट खरीदा है तो हम लोग क्या करते हैं, कभी यहाँ रहते हैं कभी वहां रहते हैं। तो मैं आपको वो फ्लैट में भी ले चलूंगी पहला बैशाख वाले दिन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का मेरा ब्लॉग, और धीरे धीरे और भी ब्लॉग्स बनाऊंगी। अगर हो सके तो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, जिससे कि नए नए वीडियो जितने भी है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो ठीक है गाइस, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। आप लोग अच्छे से रहिए, आप अच्छे से रहेंगे तो आप दूसरे को भी अच्छे रख सकेंगे, और अगर हम अच्छे रहेंगे तो ही समाज अच्छा रहेगा, राइट? तो कोशिश कीजिए कि हम लोग बहुत अच्छे बने, अच्छी अच्छी आदतें हमारे अंदर ग्रो करें, जिससे कि हमारे बच्चों के अंदर भी वही अच्छे संस्कार हम दे सके। जिंदगी छोटी सी है और छोटी सी जिंदगी में हर एक पार्ट आता है, तो जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए, जो आ रहा है उसको वेलकम कीजिए, और हो सके तो जिंदगी में वो सब चीज कीजिए जो आप करना चाहते हैं। तो आई थिंक मैं समझा सकती हूँ आप लोगों को, तो मैं समझाती हूँ क्योंकि आप सब मेरे बच्चे जैसे हैं। क्योंकि मैं समझाती हूँ इसलिए क्योंकि मैं खुद कभी मुझे भी समझाया जाता था इसी तरह से, तो मैं सोचती हूँ कि शायद थोड़ा सा ज्ञान हो तो अगर आप लोगों तक बांट सकूं। और क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये करते रहिए, ये लाइफ चेंजिंग है और ये मंत्र बहुत काम करता है। मैं हर एक ब्लॉग में बोलती हूँ ये बात, आप कीजिए। और भी नए नए उपाय मैं बताऊंगी जिससे कि आप लोगों को फायदा हो। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मिलेंगे तो हंसते हंसते, विदाई भी लेंगे तो हंसते हंसते। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।